राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधी द्वारा लगभग 6 राउंड गोली चलाया गया है और एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। आपको मैं दिखाऊं, विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अपराधी द्वारा गोली मारी गई थी, अपराधी द्वारा के द्वारा जो मैगजीन है, वो मैगजीन वहाँ पर जो सरना झंडा के पास जो है मैगजीन पड़ा हुआ है, गोली का खोखा पड़ा हुआ है। ये एक्चुअल जो आदिवासी का जो सरना स्थल होते हैं, वो स्थल पर घूमने के लिए आया हुआ था बिट्टू खान। बिट्टू खान के द्वारा जो हो सकता है कि जो अज्ञात अपराधी है वो कहीं ना कहीं छुप कर या घात लगाकर थे और वही बिट्टू खान को देखते हुए लगभग 6 गोलियां उस पर मारी गई है। जी देखिए, जो कालू लांबा का केस हुआ था ना सर, कालू लांबा का केस समय से ही इसको फंसाया गया था, ठीक है। उसके बाद भी इसको धमकी भरी फोन आती थी, धमकी दिया जाता था कि 10 दिन के अंदर तुम्हारा मर्डर कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये कभी जाके कंप्लेन किया नहीं बोलते पर में भी, इसको ही मालूम था कि कौन है। मगर हाँ, एक दो बार ये जिक्र किया था कि वो कालू लांबा का कोई आदमी है, बीड़िया वगैरह कुछ, नाम तो मुझे इतना मालूम नहीं है, मगर वही लोग मारने का धमकी दिया था कि 10 दिन का अंदर हम मार देंगे उसको, ये बोला था। घर में चर्चा किया था। हाँ, चर्चा ये जिक्र किया था अपनी वाइफ से भी, मम्मी से भी, और जहाँ तक कि हम लोग को भी ये मालूम था, हम लोग बोले भी कि यहाँ से हट जाओ तुम लोग यहाँ से, मगर वो बोला मेरा घर है यहाँ, हम कहाँ हटेंगे यहाँ से, हम यहाँ से तो नहीं हट सकते हैं ना, ये मेरा घर है, मेरा बपौती घर है, यहाँ हम किसी पे किराया पर रेंट पे तो नहीं रह रहे हैं, जो हम चले जाएंगे बोड़िया बिस्तर लपेट के चले जाए, यहाँ से क्लियर करके ही ना जाएंगे यहाँ। जहाँ तक सस्पेक्ट ये लगता है कि यहाँ ये जो हुआ है ये कालू लांबा का आदमी लोग करवाया है, और कुछ बहुत इसका दोस्त यानी कि समर्थन में कुछ है कुछ नहीं है ये तो बता नहीं सकते हैं। जब ये घर से निकला था तो वो अकेले निकला था, अकेले ही निकला है, नहीं अकेले ही निकला है, घर में नहाया, कपड़ा वगैरह पहना, फिर वो चला गया, वहाँ जाते के साथ ही 2 मिनट भी नहीं हुआ है और गोली चला है, मतलब चौक पे ही, मतलब बिट्टू को निगरानी करता था। हाँ, कोई कोई तो निगरानी कर रहा था कि ये कहाँ निकलता, कहाँ जाता, कहाँ आता, कोई तो सस्पेक्ट होगा तभी तो ये कांड हुआ, नहीं तो ऐसे तो हो नहीं सकता है। बस इतना बताया था कि 10 दिन के अंदर कोई हमको मार देगा, कोई ना कोई, बस हम पूछते रहेगा, पर बोले तुमको उतना मतलब नहीं, हम बोले कि चलिए यहाँ से, तो बोलते नहीं हम सेफ है, तुम टेंशन क्या लेती है, बस इतना ही बोले थे। क्या विवाद था, कुछ बता रहे थे आपको, या जेल से निकल रहे थे तो कुछ नहीं पता भैया हमको उतना। उसके बाद शादी हुआ है, उसके बाद शादी हुआ है। निकलने के बाद कितना दिन हो गया शादी का आपकी? 19 फरवरी को हुआ था। कुछ और बताए थे? नहीं और कुछ भी नहीं। निकलने टाइम, आज घर से निकलने टाइम भी कुछ नहीं, 6 बज रहा था, नहाए हुए और निकले, उतना ही में गोली चलने का आवाज आया, तो हमको बोला गया भाभी गोली चलने का आवाज आ रहा, तो कोई थे तो बोले बिट्टू को गोली लग गया, तो उतना ही में हम लोग निकले, देखे गोली लगा हुआ, यहाँ घूमने गिरे हुए थे और कुछ नहीं, बस ले जा रहे थे, और कोई नहीं, सबको बोलते रह गए कि कोई भी मदद कीजिए, कोई मदद नहीं कर रहे थे। नहीं, हम किसी को देखे ही नहीं, बस इनको देखे और किसी को नहीं देखे। कौन लोग धमकी दिया था आपको? पता नहीं, अब इतना नहीं पता। बरियातू थाना क्षेत्र के टोंटो चौक पे आज एक आदमी को लगभग जो अभी घटनास्थल पे निरीक्षण से पता चला है कि 6 गोली चला है, और यहाँ पे इसको मतलब डिफरेंट बॉडी में उसमें गोली लगा है, तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, करीब 4 गोली शायद उनको लगा है, 4 से 5, और उसका नाम बिट्टू खान तकीर आलम है, और वो खुद भी एक क्रिमिनली थे, तो अभी प्रथम दृष्टिया तो यही एक गैंग वॉर का लग रहा है, जो यहाँ पे जो गैंग है लक्कू शर्मा और जो बाकी जो दूसरा गैंग है पीवी और जो भी है, जिनका मतलब इसका जो भी है अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, अनुसंधान ऑन है। 2 बाइक वाले पे 4 लोग सवार थे जिन्होंने गोली मारा है, तो उसी में अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, और जो इनसे रिलेटेड हैं जो पहले उन सबको पुलिस पूछताछ के लिए लाएगी।